क्या आपका भी एक इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है और आप अपनी इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में एक वेरीफाइड ब्लू टिक लगाना चाहते हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे वेरीफाइड ब्लू टिक मिलेगा कैसे, तो आज मैं आपको एक जो है ऑफिशियली जेन्युइन तरीका बताऊंगा जिससे आप जो है ऑफिशियली जो है इंस्टाग्राम को आप जो है वेरीफाइड ब्लू टिक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आपने बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे जिसमें बहुत सारे आपको तिगड़मबाजी तामझाम बोला होगा, वो सब उतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। वो सब करने से आपको ज़िंदगी में कभी भी वेरीफाइड ब्लू टिक नहीं मिलेगा। वेरीफाइड ब्लू टिक लेने का बस एक ही तरीका है, वो है ऑफिशियल तरीका जो है डायरेक्ट आप जो है इंस्टाग्राम से आप ले सकते हो। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन में ले जाता हूँ और वहाँ पर कैसे कैसे स्टेप फॉलो किया जाता है वो शुरू से लेकर आखिर तक देखना, तभी आप जो है वेरीफाइड ब्लू टिक इंस्टाग्राम के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। उससे पहले आपको जो है कुछ चीज़ आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि वो अप्लाई करने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो चीज़ नहीं करोगे तो अप्लाई करने के बाद भी आपको जो है इंस्टाग्राम की वेरीफाइड ब्लू टिक आपको नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपके जो भी प्रोफाइल है उसका जो है पूरी तरीके से जो है आपका नाम, आपको जो भी बायोडाटा है और जो फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी जो भी है आपको प्रॉपर भर देना है, कोई भी चीज़ खाली नहीं रखना है। और प्लस 5-6 पोस्ट आपको जो है डालने हैं और 5-6 पोस्ट डालने के बाद आप जो है वेरीफाइड ब्लू टिक के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करते हैं चलो फटाफट जाके देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अपनी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में आ चुका हूं। अब आने के बाद आपको जो इंस्टाग्राम का जो ऐप है इसमें आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है इंस्टाग्राम का प्रोफाइल खुल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सामने में जो है इंस्टाग्राम का प्रोफाइल ये खुल चुका है। अब खुलने के बाद आपको क्या करना है, ये सबसे नीचे में देखो राइट हैंड साइड में जो है ये प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा ये आदमी जैसा, इसमें आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद सबसे राइट हैंड साइड ऊपर कॉर्नर में देखो यहाँ पे जहाँ पे वन लिखा हुआ है, ये 3 डॉट है, इस 3 डॉट में आपको जो है क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको नीचे में आओ, यहाँ पे देखो सेटिंग्स है, सेटिंग्स में आपको क्लिक करना है। अब सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखोगे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अकाउंट वाला ऑप्शन है, इस अकाउंट वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे में देखोगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन, ठीक है, इसमें आपको जो है क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपका जो है रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन का पेज आपके पास खुल जाएगा। यहाँ पे यूज़र नेम जो आपका रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा और फुल नेम में आपका जो भी नाम है, ठीक है, जो भी नाम है वो आप यहाँ पे नाम दे देना और यहाँ पे भी अपना नाम ही आपको दे देना है। और नाम देने के बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। अब कैटेगरी में क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएगा, इसमें देख लो आपका जो है कौन सा कैटेगरी आपके लिए फिट बैठता है आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका जो है फेसबुक अकाउंट या ट्विटर या इंस्टाग्राम में आप ज़्यादा एक्टिव रहते हो तो आपको जो है ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर ये आपको सेलेक्ट करना है, तो ये आप सेलेक्ट करोगे। और फिर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो है प्लीज़ अटैच ए फोटो ऑफ योर आईडी, यहाँ पर आपको जो है आईडी कार्ड आपको सेलेक्ट करना है। क्या आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर आपका जो है कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है या फिर आपका या आपके नाम से कोई क्रेडिट कार्ड का बिल आता है या आपके नाम से कोई बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, वो उसका फाइल जो है यहाँ पे चूज़ फाइल में क्लिक करोगे। और चूज़ फाइल में क्लिक करने के बाद आपको जो है अलाउ करके अपने गैलरी से आप जो है उसको अटैच करके यहाँ पे सेंड में आपको क्लिक करना है। जैसे ही सेंड में क्लिक कर दोगे आपका जो है वेरिफिकेशन बैच के लिए अप्लाई हो जाएगा। आपको और एक चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है कि जिससे आपको जो है इंस्टाग्राम के लिए वेरीफाइड ब्लू टिक बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, वो रीज़न ये है कि अगर लोग जो है ऑर्गेनिकली सर्च बार में, इंस्टाग्राम के सर्च बार में ऑर्गेनिकली अगर टाइप करके आपके यूज़र नेम को आपके अकाउंट में आते हैं और आपकी प्रोफाइल को विजिट करने के बाद अगर वो फॉलो करते हैं तो ये बहुत ही इजी तरीके से आपको जो है मिल जाएगा। बहुत जो भी इंफॉर्मेशन आप इंस्टाग्राम को प्रोवाइड करोगे वो आपके जेन्युइन होना चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए, कि अगर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दिया और अगर बाद में आप पकड़े गए तो आपकी जो अकाउंट जो है ब्लॉक भी हो सकती है और वेरीफाइड ब्लू टिक तो आपको जाएगा ही जाएगा। इसलिए मेक श्योर कि जो भी इंफॉर्मेशन आप जो है इंस्टाग्राम ब्लू टिक के लिए अप्लाई करने के लिए दोगे आप जो है ओरिजिनल और सही देना, अगर गलत दोगे तो परेशानी आप ही को होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज़ यार इस वीडियो को शेयर भी कर दो। चलो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।